ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है मित्रता का महत्व। कहते हैं एक जंगल में एक हाथी रहता था, उसे कोई भी अपना दोस्त नहीं था। तो उसने सोचा मेरा कोई दोस्त बनाऊं। चलता गया तो एक पेड़ के ऊपर बंदर को देखा। तो हाथी ने बंदर को कहा कि तू मेरा दोस्त बनेगा? बंदर ने कहा, अरे मैं तो इतना बड़ा बड़ा जंप मारता हूं, दूर दूर तक कूद करके जाता हूं, आपकी और मेरी दोस्ती जम नहीं सकती है। हाथी आगे बढ़ गए। जैसे थोड़े आगे बढ़े तो खरगोश मिला। तो उसने खरगोश को कहा कि तुम मेरा मित्र बनेगा? खरगोश ने कहा, मैं तो बहुत दौड़ 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 तेज दौड़ता हूं, आप मेरे साथ पहुंच नहीं सकते हो, मैं कैसे आपका मित्र बन सकूंगा। हाथी और आगे बढ़ा, देखा नदी में पानी में मेंढक। मेंढक को कहा कि तुम मेरा दोस्त बनेगा? मेंढक ने कहा, आपका शरीर इतना बड़ा, मेरा शरीर इतना छोटा, हम दोनों की दोस्ती कैसे हो सकती है। फिर दूसरे दिन हाथी को गीदड़ मिला। तो उसने गीदड़ को भी पूछा, तो उसने भी मना कर दी। उसी दिन शाम को हाथी ने देखा अचानक जंगल के सारे जानवर दौड़ दौड़ के भाग रहे थे। फिर उसको गीदड़ मिला तो उसने कहा कि सारे जानवर आप लोग भाग क्यों रहे हो? तो गीदड़ ने कहा, शेर जो जंगल का है ना, वो सभी जानवरों को खाना चाहता है, इसलिए हम भाग रहे हैं। हाथी सीधा शेर के पास गया और शेर को कहा, तुम सारे जानवरों को क्यों खाना चाहते हो? क्या तुम एक साथ सभी जानवरों को खा सकते हो जो सभी को पकड़ना चाहते हो? शेर ने कहा, मैं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पैर से इतना जोर से शेर को लात मारी, सीधा शेर काफी दूर जाके गिर पड़ा, बहुत जख्मी हो गया। इतना उसको पीड़ा होने लगी, उठ करके भागने लगा। ये देखकर सब जानवर नजदीक आए तो हाथी ने उनको सबको ये कहानी सुनाई। तब उन सभी जानवरों ने कहा कि अभी हम तो आपकी दोस्ती करना चाहेंगे। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। कहते हैं ना, दोस्त वही जो मुसीबत के समय काम आवे। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है, हमें सभी के साथ अपनी मित्रता बनाए रखनी चाहिए। चाहे व्यक्ति है, चाहे पशु पंछी है, चाहे कोई वस्तु है, जीवन के अंदर कभी भी कोई व्यक्ति कोई भी चीज हमें मदद कर सकती है, क्योंकि प्रभु ने सबके अंदर गुण और विशेषताएं भर के रखी है। वो हमें अपना योगदान दे सकती हैं और हमें सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। हमेशा अपने मित्रता का महत्व समझ करके रखें। ओम शांति।